नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से बनने रेसिपी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ परवल की सूखी सब्जी, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से घर में रखे सामग्री से बनकर तैयार हो जाती है। तो जी चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम परवल को काट लिए है। एक परवल को मैंने इस तरह से रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। चाकू की सहायता से परवल को इस तरह से छिलकर ले लेनी है। देख सकते हैं इसका जो छिलका है, ऊपर वाला पार्ट जो ग्रीन कलर का, आसानी से उतर जाती है इस तरीके से, लेकिन हाथों का जरूर ध्यान रखें। इनको देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इस तरह से पूरे को छील लिया है। अब इसका जो ये वाला हिस्सा है, इस तरह कट करके निकाल देनी है। दूसरी तरफ भी हम सेम तरीके से कट करके निकाल देंगे। अब सबसे पहले बीच में इस तरह से चीरा लगा लेंगे बरोबर में। उसके बाद में बीच में एक और टुकड़े कर लेंगे, फिर इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहे तो ये जो टुकड़े है ना, इन्हें पतले भी रख सकते हैं या फिर ऐसे रख सकते हैं। मैंने इन टुकड़े को इस तरह से रख रखा है, देख सकते हैं ये ना तो बहुत ज्यादा मोटा है ना बहुत ज्यादा पतला है। पर अगर आपको बहुत ज्यादा मोटा लग रहा है तो बीच में से एक और इस तरह कट करके उसके बाद में इस तरह कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छे लगे। मैंने यहाँ पे सारे परवलों को सेम तरीके से कट कर तैयार कर लिया है। कढ़ाई में हमने यहाँ पे तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं तेल यहाँ पे गर्म हो चुकी है। कटे हुए परवल को डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे आधे चम्मच नमक, ताकि परवल का जो टेस्ट ना वो नमकीन हो जाए। साथ ही यहाँ पे आधे चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। नमक हल्दी के साथ में परवल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हम इस टाइम मीडियम टू लो के बीच में रखेंगे। जी आप देख सकते हैं हमारा जो परवल है बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। इसके साथ ही परवल का कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया है। और इसे फ्राई करने में हमें मीडियम टू लो गैस पर 3 से 4 मिनट का समय लगा है। तो जी चलिए अब सारे परवल को हम उतार लेते हैं। अब इसी तेल में हम यहाँ पर डालेंगे बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर के लिए 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, आधे चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च जिसका हमने बीजों को हटा कर ले लिया है, आप चाहे तो बीज समेत भी ले सकते हैं, 10 से 12 लहसुन की कलियों को हमने इस तरह चॉप करके ले लिए है, 1 मीडियम आकार का प्याज, इसे भी हमने इस तरह चॉप करके ले लिया है, 1 इंच अदरक को इस तरह 10 अदरक कूट कर ले लिया है। अब सारे सामग्री को मीडियम टू लो गैस पर फ्राई करके ले लेंगे। तो जी आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारा फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। इसके कलर देख सकते हैं बिल्कुल ही बादामी कलर हो चुकी है, यानी प्याज जो है फ्राई हो चुकी है। तो प्याज को हमें इसी तरह के फ्राई करके ले लेनी है। इससे सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। जिस टाइम प्याज इस तरह के फ्राई हो जाते हैं ना, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आती है। इसमें मैं डालूंगी 1 मीडियम आकार का टमाटर इस तरह चॉप करके, आप चाहे तो टमाटर प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 चम्मच नमक, ध्यान रहे परवल को फ्राई करते वक्त भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आते यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ कच्चा जीरा। अब सारे सामग्री को प्याज टमाटर के साथ में अच्छे से मिक्स कर देनी है। इसमें हम फ्राई की हुई परवल को डाल देंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 नींबू का रस। आप नींबू के रस की जगह पे 1 चम्मच अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी को फ्लेवर और स्वाद से भरपूर बनाने के लिए यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला का इस्तेमाल करेंगे। और सारे सामग्री के साथ में सब्जी को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि मसाला और ये जो परवल है अच्छे से मिक्स हो जाए। सारे मसाला और परवल को हमने अच्छे से मिक्स कर दिए है। अब हम सब्जी को धीमे गैस पर 2 से 3 मिनट के बीच में ढककर पकाएंगे। इससे सब्जी हमारा पककर रेडी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट के बीच में हमें यहाँ पे इसलिए ढककर पका रहा है क्योंकि हमने परवल को ऑलरेडी फ्राई करके ले लिया था। तो जी आप देख सकते हैं सब्जी में से ऑयल जो है ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब ये है मसाले के साथ में सब्जी जो है दोबारा से पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप भी इस तरह के आसान सी परवल की सब्जी को बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम सामग्री में। साथ ही घर में रखे मसाले से आप इस सब्जी को रोटी, पराठा, चावल, दाल किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप भी एक बार मेरे तरीके से परवल की सब्जी जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।